अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। ये हमारे न्यूज़ पेपर ऐप की ऑलमोस्ट 6 वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में अब हम अपने न्यूज़पेपर ऐप की जो यूआई है, रजिस्टर पेज की यूआई, उसको डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने जो ऑथ रिलेटेड गार्ड्स हैं, लॉजिक है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस और भी बहुत ज़्यादा कोड राइट किया था जो कि मेनली स्टेट और जो जनरल यूआई फंक्शनैलिटी के रिलेटेड था उसके रिलेटेड था कि यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो हमें ऑथ स्टेट चाहिए थी इस तरह, और एपीआई कॉलिंग के लिए हमने जनरल फंक्शन लिखे, उसके अलावा स्टोरेज का जनरल फंक्शन लिखा और भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिक के रिलेटेड हमने कोड लिखा। इस वीडियो में हम मेनली यूआई बनाएंगे रजिस्टर पेज की, एक सिंपल सी क्लीन यूआई बनाएंगे जिसके थ्रू यूजर हमारी ऐप में साइन अप कर सकेगा, अकाउंट क्रिएट कर सकेगा, रजिस्टर कर सकेगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लूंगा और लास्ट टाइम हमने यहाँ तक काम किया था और ये हमारा कोड है जिसको कि मैंने पुश कर दिया हुआ है। गेट स्टेटस अगर हम करेंगे, ये बैकएंड है, यहाँ पे आके इसको एक नेम है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह कोर्ट में अभी तक जो हम काम कर चुके हैं वो बेसिकली हम राउट्स डिफाइन कर चुके हैं और भी जो राउट गार्ड हैं ईटीसी और स्टेट वगैरह के रिलेटेड काफी चीजों को डिफाइन कर चुके हैं। अब हम रजिस्टर पेज से स्टार्ट करेंगे और अब ये आप देख सकते हैं कि राउट गार्ड इन प्लेस है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं अभी के लिए यहाँ से इसको क्लियर कर दूंगा और वो ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ से मैं रजिस्टर पे चला जाऊँगा और यहाँ से अब मैं काम स्टार्ट करूँगा। मैं पेजेस में आ जाऊँगा, ऑथ, रजिस्टर और यहाँ पर, और इसमें मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पैनल के रिलेटेड कुछ है। क्योंकि रेडिस यूआई को जब मैं देख रहा था ये इनकी प्लेग्राउंड है, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर ये चीज मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगी तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। नहीं, ये चीज एग्जैक्टली नहीं मिलेगी तो मुझे मिल नहीं लगता। घर में आते हैं, प्लेग्राउंड कंपोनेंट्स, डेमो दिस दैट टैक्स, खैर मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ खुद ही बनानी पड़ेगी। इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं अगर इसका थोड़ा सा मुझे मिल जाए कोड, क्योंकि ये काफ़ी क्लीन नीट है तो इससे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन वो मेरा काम चलाना नहीं चाह रहे। ये बेसिकली आई थिंक सेक्शन है और उसके बाद ये आई थिंक एक ये बॉक्स है, उसमें फ्लैक्स है, बॉक्स, उसमें फ्लैक्स, उसमें इन्होंने ये एक और फ्लैक्स ही यूज़ किया है, और उसमें ये बेसिकली जो बैकग्राउंड इमेज है वो इसकी बैकग्राउंड इमेज है। इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एसेट्स का फोल्डर बना लेते हैं, एसेट्स इंडेक्स डॉट टी एस, और यहाँ पर मुझे एस वी जी का फोल्डर, एस वी
जीस या फिर SVG कह देते हैं, वो ज़रा आइकॉन एटलीस्ट प्यारा हो गया। और लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक SVG और माउंट और SVG, और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू। ओके, कुछ इस तरह से खराब हो गई है। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं जो जहाँ पे जिस तरह से मुझे गई। हमें एक बॉक्स चाहिए, उसमें फ्लैग्स और उसमें लेट से कार्ड यूज कर लेते हैं। इसको जस्टिफाई, सेंटर, अलाइन, सेंटर और मिन हाइट 100 VH, और इसके बाद मुझे इनपुट चाहिए। उसके लिए मैं देख लूँगा अगर यहाँ पे कोई इनपुट की फील्ड है, अदरवाइज मैं खुद इनपुट टैक्स फील्ड। ओके, ये टैक्स एरिया है, ये टैक्स फील्ड। ओके, ये चीज़ मुझे चाहिए। और ये बेसिकली बॉक्स में कर रहे हैं इसको, और इसको बेसिकली वेल्थ लेट से मैं 100% ही कह देता हूँ, क्योंकि और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा लेट से। इसको इतना करके देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ओके, नॉट बैड, ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। और मेन विड्थ, लेट से मैं कह रहा हूँ कि मेन विड्थ जो है उसकी 80%, और कार्ड को मैं कह देता हूँ मेन विड्थ। ओके, इसको मैं नहीं दे सकता मेन विड्थ, तो मैं इसे मेन विड्थ दे सकता हूँ। ओके, मेन विड्थ इससे मैं, वैसे तो इसने ऑलरेडी इसको सेंटर लाइन कर दिया, तो एज सच इससे फ़र्क नहीं पड़ना। इसको हम कह देते हैं मेन विड्थ लेट से 300 पिक्सल फॉर नाउ। ओके, यहाँ पर आ जाएगा इंटीरियर नेम, साइज 3। ओके फाइन, और इसको लेबल वगैरह कैसे असाइन कर सकते हैं। लेबल असाइन नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, सॉरी, बॉक्स के साथ कॉपी करना। और मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स का जो है, अगर मैं इसको एक और बॉक्स में रैप कर लूँ, क्या ये अलाउ है। मेन विड्थ 300 पिक्सल, ताकि मुझे हर एक को ना करना पड़े। और अगर मैं इसको कम्प्लीटली ओमिट कर देता हूँ, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनी विड्थ ले रहा। ओके, और अब मुझे इसको मार्जिन बॉटम देना, मार्जिन बॉटम लेट्स से 4। ओके, नॉट बैड, लेकिन 3 ठीक है। ये हो गया, एंटर ईमेल, एंटर योर ईमेल,
नेम ईमेल पासवर्ड, लेट्स गो विद दैट, पासवर्ड एंड लास्टली पासवर्ड कंफर्म. जी डन हो गया. और फॉर्म हैंडल के लिए मैं कर रहा हूँ फॉर्मिक को यूज, आप किसी और चीज को भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी सिंपली इसके साथ जा रहा हूँ. और साथ में ही मैं अभी डेट मैनेजमेंट के लिए, ताकि अगर मुझे कहीं पे डेट शो करवानी पड़ी तो डेट JS को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरा छोटी लाइब्रेरी है तो इस वजह से. इधर आ जाता हूँ, सॉरी पी एंड डे JS. आई थिंक अभी के लिए मुझे यही चाहिए, इसको टाइप्स इनकी हैं, दैट्स इट. इनको इंस्टॉल कर लूँगा मैं. और यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर, सॉरी रिफ्रेश कर लूँगा और यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लूँगा. वापस इसी पेज को ओपन कर लूँगा, एक मिनट सबर करूँगा और साथ ही फिर ये काम चल जाएगा होपफुली. यहाँ पे अब मुझे फॉर्मिक चाहिए. फॉर्मिक मैं किसी भी लेवल पे लगा सकता हूँ, सिर्फ सारी फील्ड्स कवर होनी चाहिए उसमें. मेन जो है फॉर्मिक, और इसमें बेसिकली मुझे अब चाहिए फॉर्म, उसके लिए ये है रिटर्न. आज सिंपल फॉर्म कर लें, फॉर्मिक का फॉर्म कर लें, जो भी आपने करना कर लें इसको. ओके, और इसको बेसिकली इनिशियल वैल्यूज चाहिए, इस तरह चीज़ें जो भी इसको चाहिए वो आप इसको प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि इसमें आ जाएगा नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड पासवर्ड कंफर्मेशन. उसके बाद वैलिडेट, उसमें वैल्यूज, और यहाँ पे एरर्स. जो के वे फील्ड रख सकती हैं नेम की स्ट्रिंग, ईमेल की, पासवर्ड की और पासवर्ड कंफर्मेशन की. और यहाँ पे अब बेसिकली सिंपल वैलिडेशन लग जाएगी. उसके लिए वैलिडेशन के लिए आप ज़ैप या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, मैं यहाँ पर इसको सिंपल रखूँगा, ज़ैप यूज़ करते हैं, ज़ैप npm. इसमें बेसिकली इसमें ना फंक्शंस दिए होते हैं, इज स्ट्रिंग, इस तरह ये सारे स्ट्रिंग मैक्स 5, ये तो ज़रा आसान हो जाएगा. कि इसका ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, दिस एंड दैट. और ये मेरे ख्याल से वैलिडेट स्कीमा भी लेता है, वैलिडेट स्कीमा. ओके, इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जेड मुझे लास्ट टाइम याद नहीं, मैंने कभी यूज़ किया था. इसको ट्राई कर लेते हैं, चलें एक आपके लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी. दिस ये ऑटोमेटिकली चल जाता है, इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये नहीं उठा रहा, मतलब ऑटोमेटिकली जो भी इसकी वजह. इम्पोर्ट फ्रॉम ज़ैप और जी एस ज़ैप, और उसका वैलिडेशन स्कीमा मैं बना लेता हूँ. कॉन्स्ट रजिस्टर फॉर्म वैलिडेशन स्कीमा
डॉट ऑब्जेक्ट जी डॉट ऑब्जेक्ट नेम जेड डॉट स्ट्रिंग और दैट्स इट लेट्स से डॉट मैक्स या मैक्स लेंथ सॉरी मैक्स 255 ईमेल जेड डॉट ईमेल स्ट्रिंग ईमेल डॉट मैक्स 255 पासवर्ड सर डॉट स्ट्रिंग डॉट पास सॉरी मेन लेट्स से 6 मैक्स लेट्स से 30 बहुत है एंड दैट्स इट डॉट कंफर्म कंफर्म है नो ओके सुपर फाइन हाँ ओके मीन के एटलीस्ट उसको कम से कम इतना काम उससे करवा लो जितना मिनिमम वो कर सकता है और उसके बाद सुपर रिफाइन में इसको कंफर्म करवा लो खैर वेल ये काफी अच्छा है अगर तो ये काम कर जाता है यहाँ पे नहीं तो आपको वैलिडेशन सारी खुद लिखनी पड़ती है जो कि मुझे एटलीस्ट पसंद नहीं है Obviously, काम चल जाता लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेता है ओके और वंस अगेन हम यहाँ पे अब फिर फ्लैक्स यूज कर सकते हैं उसमें ये कर सकते हैं और उसमें हम जस्टिफाई बिटवीन कह सकते हैं जो भी आपका अपनी मर्जी है जैसे आपने यूआई बनानी है इसका मेरे ख्याल से कलर की प्रॉपर्टी है शायद डेंजर डेंजर है रेड रीसेट एंड इसकी टाइप भी बटन की रखनी पड़ेगी रीसेट और सबमिट जो के होगा सबमिट और जो प्राइमरी पे ही रहेगा लेट्स सी नॉट बैड ओके है बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और एटलीस्ट इतना बुरा नहीं है ओके कम से कम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं क्योंकि ये एटलीस्ट उस लेवल का मज़ा नहीं आ रहा और एक काम हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इसको ऐसे कर सकते हैं ओके उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं ये बॉक्स को बाहर निकालना चाह रहा हूँ दैट्स इट ऐसा सच कोई फ़ायदा
मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मिक बॉक्स कार्ड किया और यहाँ पे बॉक्स ऐसे। ओके अभी भी ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि मैं लेआउट को बस एक जगह पर रखना चाह रहा हूँ। इवन आप इसको फॉर्म को निकाल के अलहदा कर सकते हैं, जो कि मैं कर ही देता हूँ। ओके इसको 500 कह रहे हैं। पहले से बेहतर लग रहा। नाइन्टी परसेंट इस वजह से ताकि अगर ओके नहीं 90% इसको समझ नहीं लगी। 90 VH कह देते हैं। नहीं इनके जब 500 से, एक मिनट इसको ऐसे ना करो, इसको यूज़ कर लो, ये ज़्यादा बेहतर। ये देखो जब 500 से कम हो रहा फिर काम ख़राब हो रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी के लिए मैं फिर 50 VW कह रहा हूँ मेन। ओके 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 वेल्थ फ्लैट से हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये बहुत बड़ा होगा, ये तो एटलीस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैक्स जो है हम 600 पिक्सल कह देते हैं। 600 भी ज़्यादा, 500। और मेन जो है मेन लेट्स से के फोर मेन मिनिमम 300। ओके आई थिंक चल जाएगा, ठीक है बाकी बाद में देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग चाहिए। वेल अभी के लिए चलेगा। ठीक है बेहतर। ओके सबमिट करते हैं। और एरर्स आ गए, ये बेसिकली ये क्या कह रहा है, स्कीमा इज नॉट अ फंक्शन फॉर्मिक विद जेड। I don't think we need super refine, we can just go with refine and but let's go with super refine for now. We will continue later. मैं बस एक मिनट इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने काफी जेड ये हो गया। ओके इस तरह ये सारा काम जी, इसने ऑब्जेक्ट ये वैलिडेशन स्कीमा बना दिया।
वैलिडेशन स्कीमा और ओके ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ना ये सारी चीज़ें आती हैं, वैल्यूज़, एरर्स और बाकी भी जो जो आपको चाहिए, बेसिकली सेट हैंडल फील्ड, हैंडल चेंज, उसके अलावा हैंडल ब्लर, उसके अलावा बाकी भी सारा टच्ड। तो मैं इन सब को देखना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग दिस। ओके, एरर्स में आ गया जी। एरर: इनवैलिड ईमेल स्ट्रिंग कंटेन एटलीस्ट दिस एंड दैट स्ट्रिंग मस्ट बी। ये हो गया, देखते हैं। ये क्या कर रहा है? ओ सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैंडल चेंज वगैरह नहीं लगाया। सॉरी सॉरी, ऑन चेंज हैंडल चेंज, और इसको नेम देना, ये ऑटोमेटिकली उसको बाइंड कर देगा। नेम, दैट्स इट। और ऑन ब्लर हैंडल ब्लर, ये है और ये है। ईमेल पासवर्ड कंफर्मेशन, अच्छा इसको ये किया, एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं, सॉरी रिफ्रेश कर लेते हैं। सब कुछ ये किया और एरर्स में से वो गायब हो गया। ओके, नेक्स्ट ईमेल करते हैं, देखते हैं। एरर में से ईमेल गायब हो गई, ज़बरदस्त। पासवर्ड किया, एरर्स में से पासवर्ड जो है वो गायब हो गया और ये डिड नॉट मैच, वो सारा आ गया। इसको किया और वो ख़त्म हो गया और लास्ट आ गया डिड नॉट मैच। और अगर ये सारा मैच करेगा तो फिर कोई एरर नहीं है, डन है। और टच्ड में वो सारा ट्रू वगैरह ये सारे कुछ सही है। ओके ठीक है। अच्छा, इसकी सिर्फ टाइप सही कर देते हैं। इनकी इसकी टाइप जो है वो पासवर्ड है, इसकी भी जो टाइप है वो पासवर्ड है, इसकी जो टाइप है वो ईमेल है, और इसकी जो टाइप है वो टैक्सी है। लास्टली यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे कि जब एरर्स हों तो वो नीचे शो हों। ये हम नेक्स्ट करेंगे।